पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसका स्वाद वही जानता है जो धूप में दौड़कर आ रहा है, जिसका कंठ सूख चुका है, वो नहीं जो पंखे की छांव में घर के भीतर बैठा हुआ है। सुबह 4:30 बजे निकल पड़ी मैं अपने संडे लॉन्ग रन के लिए और जी में आया कि आज 3 गांवों की सैर पर निकल पड़ूं, अस्थल, द्वारा और मालदेवता। मैंने अपनी दौड़ की शुरुआत राजपुर से की जहां मैं रहती हूं। राजपुर से 7 किलोमीटर दौड़कर पहले मैं पहुंची अस्थल गांव, फिर वहां से करीबन 5 किलोमीटर दौड़कर मैं पहुंची मालदेवता ब्रिज पर, वहाँ से 9 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर मैं द्वारा गांव पहुँची। उसके बाद 9 किलोमीटर नीचे उतरकर मैं दोबारा मालदेवता ब्रिज पहुँची। फिर उसके बाद मैंने मालदेवता गांव का रुख किया। वहाँ से मैं वापस राजपुर आई जहाँ मेरी दौड़ समाप्त हुई। इस तरह मैंने 42 किलोमीटर लंबी मैराथन पूरी की जिसका टोटल एलिवेशन गेन था 938 मीटर। चहचहाते पंछियों का मधुर संगीत सुनते हुए दौड़ रही थी मैं अस्थल गांव की ओर। शहर से बाहर निकल जैसे ही मैंने अस्थल गांव में एंटर किया, चारों ओर हरियाली शुरू हो गई और ये देखकर मेरा मूड भी खिल उठा। जैसे ही मैं अस्थल गांव से बाहर निकली तो ये जंगल शुरू हो गया और वहां दौड़ने की तो क्या कहने, बस मज़ा ही आ गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ और वो लंबी सी सड़क, ऐसा लगता जैसे पैर खुद ही आगे बढ़े चले जा रहे हैं। जंगल से बाहर निकलते ही ये ढलान शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में मैं रायपुर सड़क पर मिलने वाली थी। वो देखिए नीचे रायपुर सड़क और आसमान में सूरज उदय होने का इशारा भी कर चुका था। यहाँ से बाएं मुड़कर मैं उगते सूरज को सलाम करते हुए आगे दौड़ने लगी। करीब 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद मालदेवता ब्रिज आया और ये ब्रिज क्रॉस करके मैं बढ़ी द्वारा गांव की तरफ। ब्रिज क्रॉस करके मुझे मुड़ना था राइट साइड में और पहुंचना था उस पहाड़ी की चोटी पर। इस सुंदर घाटी से मैं चढ़ाई करने जा रही थी इस लंबी सड़क पर। उस लंबी सड़क से छोटे छोटे कदम लेकर दौड़ते हुए मैं यहाँ पहुँची और अभी मुझे बहुत आगे जाना था। टोटल 9 किलोमीटर का क्लाइंब था वो। अभी तो सिर्फ 3 ही किलोमीटर हुए थे। हितेश मिला मुझे रास्ते में। हेलो। ही वाज साइकिलिंग और इनफैक्ट हितेश और जो यहाँ और भी साइकिलिस्ट हैं उनका तो ये फेवरेट रूट है। रनर्स में वेरी फ्यू पीपल कम बिकॉज काफ़ी इंक्लाइन है। तुमने तो रन भी बहुत किया हुआ यहाँ। हाँ, मैंने रन भी किया हुआ। हाँ, सूरज चढ़ आया था और सुनहरी धूप चारों ओर खिली थी। मेरे सफ़र का असली मुश्किल समय अब शुरू होने वाला था क्योंकि अब चढ़ाई बढ़ी चली जा रही थी और धूप भी तेज़ हो रही थी। आगे बढ़ते रहो हर पल, मंजिल को पा जाओगे। मंजिल अगर ना भी मिले तो अच्छे मुसाफिर तो बन ही जाओगे। वो नीला आसमान, पहाड़ और वो हरियाली, यूं लगता था जैसे मैं एक अलौकिक दुनिया में आ गई हूँ। रास्ता सामने मुझे बुला रहा था और मैं दौड़ती चली जा रही थी। कितनी शांति थी वहाँ और कितना सुकून। सच में एक रनर बहुत किस्मत वाला होता है जो इस सुकून को महसूस कर पाता है हर दौड़ के साथ। 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर मैं इतना विजयी महसूस कर रही थी कि मैंने वहाँ एक सेल्फी भी खींची। अगले 3 किलोमीटर दौड़कर मैं द्वारा गांव पहुँच गई और वहाँ गांव का माहौल देखकर सच में मेरा दिल वहीं बस गया।
कितनी सादगी होती है गांव के लोगों में, जरा इस वीडियो को तो देखिए। हाँ खींच रही है, खींच रही है। मैडम आपकी फोटो आएगी, देखिए इधर। नहीं नहीं अच्छे लग रहे हो आप। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। ये बकरी का क्या नाम है? काली वाली। हाँ मुन्ना। और ये दूसरी बकरी का क्या नाम है? चंदा। और इसका मीनू। और नीचे वाली, सभी का नाम है? अरे वाह। आई हैव कम्प्लीटेड 24 किलोमीटर्स एंड नाउ आई एम डिसेंडिंग फ्रॉम द्वारा विलेज एंड आई एम गोइंग टू गो टू माल देवता विलेज। सो अनदर ब्यूटिफुल विलेज इज अवेटिंग मी, लेट्स गो। द्वारा गांव से वापस लौटते हुए मुझे ये हल चलाता हुआ किसान दिखा। कितना खूबसूरत दृश्य है, मानव श्रम की जीती जागती तस्वीर। माल देवता गांव पहुंचने पर मैंने देखा, एक तरफ तो नहर है और दूसरी तरफ ये हरे भरे खेत। इसके आगे लगभग 4 या 5 किलोमीटर में लगातार सीधी सड़क में दौड़ती रही और मेरे बराबर में ये नहर लगातार चल रही थी। I have reached Mal Devta village and I am running by the side of this canal. You can hear the sound of the water running in the canal. कुछ ही दूरी में मुझे ये बूढ़ी महिला काम करती हुई नजर आई। गांव की पहाड़ी महिलाओं की यही खास बात है कि वो बहुत मेहनती होती हैं। माल देवता गांव के किसान थोड़े वेल ऑफ मालूम होते थे, क्योंकि वो हल के बजाय एक मशीन से खेत जोत रहे थे। सूरज काफ़ी ऊपर निकल आया था, धूप बहुत तेज़ हो गई थी, मैंने पानी से चेहरा पूरा गीला कर लिया था। माल देवता गांव से बाहर निकल के मैं सुरकंडा मंदिर के पास पहुंची। अब तक 36 किलोमीटर पूरे हो चुके थे। वो दूर माल देवता मंदिर से दौड़ते हुए मैं यहां पहुंची थी और इसके आगे लगभग 5 या 6 किलोमीटर मुझे और दौड़ना था। किलोमीटर कम्प्लीटेड। आई एम रियली टायर्ड, सो आई हैव हॉल्टेड हियर टू टेक रेस्ट फॉर 2 to 3 minutes एंड देन आई विल फिनिश द रिमेनिंग 4 किलोमीटर्स। लास्ट 1 किलोमीटर, 42nd किलोमीटर एंड इस लास्ट किलोमीटर में भी देखिए कितनी चढ़ाई है ये। ओ माय गॉड, लास्ट किलोमीटर तक जान निकल गई, बट सीरियसली मज़ा आ गया।